मुनव्वर तो मुनव्वर, उनके फैंस भी ट्रोलिंग और रोस्टिंग करने में भाई माहिर है। मतलब यहाँ पर मुनव्वर हैं जो कभी अंजलि अरोड़ा तो कभी आयशा खान को ट्रोल और रोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ मुनव्वर के फैंस थे तो देखिए पीछे कैसे रहने वाले थे वो मुनव्वर से। मुनव्वर के फैंस और भी ज़्यादा रोस्ट करने में माहिर हैं। एक फ़ैन बल्कि बहुत सारे फैंस के साथ मुनव्वर फारूकी की हैदराबाद से पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुनव्वर ने बहुत सारे फैंस साथ महफिल जायका जो ये फूड कार्निवल हुआ था, बेसिकली मुनव्वर फारूकी यहाँ पर गेस्ट आए हैं बनकर। और देखिए यहाँ पर इस कार्निवल में बहुत सारे फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ऐसे ही एक फ़ैन का नाम आयशा था, तो उन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ तस्वीर को शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर और कहा कि हर आयशा, जैसे ही उन्होंने मेरा नाम सुना कि मेरा नाम आयशा है, वैसे ही शायद मुनव्वर थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से पिक्चर क्लिक करवाई मेरे साथ। फिर एक फ़ैन ने कहा कि भाई हर आयशा फेम डिगर नहीं होती है, मतलब कि कहीं ना कहीं आयशा खान को मुनव्वर के फैंस ने रोस्ट कर दिया कहीं ना कहीं फेम डिगर कह के। बहुत सारे फैंस देखिए आज भी यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी का नाम लिया गया था आयशा खान की तरफ से जस्ट टू गेट सम पॉपुलैरिटी एंड फेम, लेकिन आयशा बिल्कुल भी इसमें कामयाब नहीं रही, क्योंकि जितना फेम और जितनी पॉपुलैरिटी शायद वो यू नो एक्सपेक्ट कर रही थी मुनव्वर का नाम लेने से, उतनी उन्हें मिली नहीं है एंड डेफिनेटली उनकी वो जो चाल है वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन बहरहाल उस चीज़ को अगर हम पीछे छोड़ दें तो फैंस के साथ मुनव्वर फारूकी का एक अलग ही रिश्ता रहा, एक अलग बॉन्ड रहा है। यहाँ पर इस इवेंट पर उन्होंने अपनी फेवरेट शायरी भी फैंस को सुनाई, तो वहाँ पर सिर्फ मुनव्वर मुनव्वर का ही शोर था, वहाँ पर सिर्फ मुनव्वर की ही गूंज थी, उन्हीं के नाम की गूंज थी। इस इवेंट पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया है सभी को, एक बार फिर से कुछ वीडियोज़ देखिए इस इवेंट से, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंत तक देखिएगा इसे और बताइए कॉमेंट सेक्शन में अबाउट दिस वीडियो, हाउ यू फील अबाउट दिस वीडियो। बैली डांस किया था मेरे को।